बाड़ी में निकला विजयदशमी का पथ संचलन, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रविवार को विजयदशमी के पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आयोजित किया गया। शहर के सीनियर सेकेंडरी किला स्कूल से शुरू हुआ यह पथ संचलन किला गेट, गांधी पार्क, घंटाघर, सदर बाजार, सराफा बाजार, लोहार बाजार, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड, भरद्वाज मार्केट होते हुए शहर के महाराजबाग सर्कल से कोटपाड़ा होकर वापस किला परिसर में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान शहरवासियों ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का सैकड़ों जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन कार्यक्रम से पूर्व किला परिसर में बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सह जिला कार्यवाहक जवान सिंह मीणा, जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हरिओम सिकरवार, जिला प्रौण प्रमुख मुकेश शर्मा, विभाग गौ सेवा संयोजक सरनाम सिंह, शिक्षक प्रचारक रौनक सिंह, जिला धर्म जागरण संयोजक ओमकार सिंह, जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख विष्णु सिंह, जल एवं पर्यावरण संरक्षण प्रमुख डॉक्टर परमेश चंद पाठक, गौ सेवा संयोजक राम दुलार सिंह, प्रांत मुख्य मार्ग प्रमुख लाखन सिंह एवं खंड कार्यवाहक लखन सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान सभी सेवकों को आरएसएस से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी गई और विजयदशमी पर आयोजित पथ संचलन के मार्ग की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी पर हुई थी। संघ आज 99 वर्ष का हो गया है, ऐसे में 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर एसडी मंगल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना देश की सुरक्षा के साथ हिंदुओं को एकजुट करने की रही है। आज हमारा समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जिसको एक करना संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ का आगामी कार्यक्रम यह है कि संघ की शाखा प्रत्येक गांव तक पहुंचे और लोग संघ की विचारधारा से प्रेरित हो सके। वरिष्ठ पदाधिकारी और 73 वर्ष से संघ के स्वयंसेवक बुजुर्ग शिक्षाविद देवी प्रसाद दुबे ने बताया कि संघ का उद्देश्य देश के भीतर छिपी उन शक्तियों को परास्त करना है जो खाते हिंदुस्तान का है और दूसरे देशों की तारीफ करते हैं। दूसरे देशों के प्रति उनका लगाव अधिक है, ऐसे लोगों को परास्त करने के लिए ही संघ का लगातार प्रयास चल रहा है। इस दौरान आरएसएस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम देख रहे हैं आज बाड़ी शहर के अंदर विजयदशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम रखा गया। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम रखा जाता है, पूरे देश के अंदर शहरों में जहाँ जहाँ भी अपना संघ का कार्य है वहाँ पर ये कार्यक्रम होता है। चूँकि विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी, संघ के 99 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अब ये शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हर गांव के अंदर संघ का कार्य पहुँचे, हिंदुओं में एकता हो और विभिन्न जातियों में जो हमारा समाज बटा हुआ है वह एकता के साथ देश के प्रति समर्पण और भक्तिभाव लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हम सब मिलकर के देश को मजबूत बनाएं और यही विजयदशमी पर्व का अच्छाइयों का ये हमारा विजय है। मैं पूरे विश्व के अंदर आतंकवादियों का जाल बिछा हुआ है, पूरे विश्व के अंदर ईसाई वर्ष आज मुसलमान हो रहा है, भारतवर्ष के अंदर भी ऐसी छद्म जो लोग हैं जो रहते यहाँ हैं और गीत गाते हैं बाहर के, चीन के, पाकिस्तान के, ऐसे लोगों को परास्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चल रहा है 99 वर्ष से। मैं 73 वर्ष का स्वयंसेवक हूँ, 73 साल पहले स्वयंसेवक बना था, इस समय मेरी आयु 81 वर्ष की। लोगों को यानी इस समाज में बैठी जो सज्जन शक्ति थी, जो अभावग्रस्त लोग थे, जो पीड़ित थे, ऐसे लोगों को उन्होंने संगठित किया। गिरवासी, वनवासी और आप देखिए उस पुनीत कार्य में लोग आगे से आगे उनके लिए जुड़ते चले गए और यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी उनका साथ दिया। मनिया में कुशवाहा समाज ने धूमधाम से निकाली लवकुश शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में हाथों में घोड़ा पकड़े लवकुश की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा बोली, शिक्षा ही समाज की जागरूकता का प्रतीक, हमें समाज को पूर्ण रूप से करना होगा शिक्षित। रविवार को धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सूर्यवंशी कुशवाहा छत्री समाज द्वारा लवकुश शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ निकाली गयी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा रही। लवकुश शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर लवकुश सेवा के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा भरतपुर, धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, राजस्थान कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा, बसेड़ी चेयरमैन रामदीन कुशवाहा, समिति अध्यक्ष सतीश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कस्बे के दुवाटी रोड स्थित आदर्श विवेकानंद स्कूल में किया गया।
जहां कुशवाहा समाज ने एकत्रित होकर एकता का परिचय दिया और समाज के गणमान्य नागरिक सहित अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा दुवाटी रोड मनिया से शुरू होकर थाने होते हुए जीटी रोड, मांगरोल रोड, मुख्य बाजार से गुजरते हुए मनिया थाने पर पूजा अर्चना कर विधि विधान से समापन किया गया। इस अवसर पर बयाना से लपकुश उत्थान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा, भरतपुर कुशवाहा समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, भरतपुर मीडिया प्रभारी बीके कुशवाहा, जयभोली समिति अध्यक्ष रामहित कुशवाहा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकृष्णा कुशवाहा, कुशवाहा समाज एवं लघु सेना प्रभारी भीकम सिंह कुशवाहा, सरपंच प्रताप सिंह कुशवाहा, दुवाटी सरपंच राजू कुशवाहा, सरपंच अशोक कुशवाहा, नेताजी भागीरथ काका, सादीलाल कुशवाहा, सैपऊ विजय सिंह कुशवाहा, बाड़ी अन्नपाल कुशवाहा, संजय कुशवाहा, एमडी कुशवाहा, सोनू आकाश कुशवाहा, देवी सिंह, मंगल सिंह कुशवाहा, सरपंच राजेश सरपंच, दिलीप सरपंच, उत्तम सरपंच, कुमारपाल सरपंच, राकेश सरपंच, वेद प्रकाश कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, दयेरी देवेंद्र कुशवाहा, लाडमपुर राज कुशवाहा समाज के हजारों समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि समाज को शिक्षा की जरूरत है, सभी कुशवाहा भाई अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं और अधिक अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। समिति अध्यक्ष सतीश उर्फ मिच्छू सिंह ने कार्यक्रम में पधारे सभी कुशवाहा समाज बंधुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हुए सभी कुशवाहा समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा ने किया। उन्होंने कहा कि समाज में एकता और संगठन धौलपुर के कुशवाहा समाज की देश में अनोखी पहचान है, इसलिए संगठन को मजबूत बनाए रखना है। लखू शोभा यात्रा के दौरान मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने शांति व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए और अपनी टीम के साथ पूरे कस्बे में शोभा यात्रा को निकालने में भूमिका निभाई। इस दौरान बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार ने भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली। लपकू शोभा यात्रा का मनिया बाजार में सर्व समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लपकुश भगवान की घोड़ा हाथों में पकड़े हुए झांकी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा के समापन पर कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी का आभार जताया और धन्यवाद दिया। धौलपुर शहर के कई इलाकों में 6 घंटे बंद रहेगी बिजली। दीपावली के त्योहार को देखते हुए विद्युत लाइनों का मरम्मत कार्य किया जाना है, जिस कारण 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को धौलपुर शहर के 11 के बी शास्त्री नगर फीडर की बिजली सप्लाई 6 घंटे बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के एआरओ गणेश कुमार झा ने बताया कि दीपावली त्योहार को देखते हुए बिजली लाइनों का मरम्मत कार्य किया जाना है, जिस कारण सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धौलपुर शहर के कई इलाकों की बिजली बंद रहेगी। झा ने बताया कि इस दौरान नारायण कॉलोनी, एसपी निवास, शिवनगर, पोखरा कॉलोनी, शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 1 से 5 तक, सब्जी मंडी, गौशाला कॉलोनी एवं नर्सरी रोड की बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जे एंड डी कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपये की नगद छूट, हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहां सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। जे एंड डी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का किया दहन, लोगों ने खूब लिया आतिशबाजी का आनंद। नगर परिषद धौलपुर द्वारा शनिवार शाम को मेला ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मनाया गया, जिसमें 51 फुट के रावण, 41 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरड़ा, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने पुतलों में आग लगाकर पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मनोरंजन के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग और आतिशबाजी की गई, जिसका शहर के लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और एसपी मेहरड़ा ने कहा कि दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस दिन हमें अपने अंदर की बुराइयों को निकालना चाहिए और समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द कायम करना चाहिए। धौलपुर के समस्त निवासियों को दशहरा पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल काफी बारिश हुई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं नगर परिषद को और साथ ही अपने बामाशाह मुरारीलाल सिंघल जी को और अपने जिलाध्यक्ष जी
पार्षद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एसपी साहब उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किया और अच्छे तरीके से दशहरा को मनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। फुटबॉल बेबी लीग को लेकर खिलाड़ियों की लगी बोलियां। बालक वर्ग में प्रवीण गुर्जर और बालिका वर्ग में दिव्या परमार सबसे महंगे खिलाड़ी। 2 नवंबर से इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर पर जिला फुटबॉल संघ व खालसा क्लब की ओर से आयोजित होने वाले शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग सीजन 2 के खिलाड़ियों का ऑक्शन रविवार को सम्पन्न हुआ, जिसमें बालक वर्ग में प्रवीण गुर्जर व बालिका वर्ग में दिव्या परमार सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि सीजन 2 में 8 टीम में बेबी वर्ग में तथा 4 टीम सीनियर वर्ग में भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले भर के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने आवेदन किया था, जिसमें टीम ऑनर्स द्वारा अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों का चयन ऑप्शन के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर ओमकार सिंह ने खिलाड़ियों से पर्चे प्राप्त कर उन्हें अच्छे खेल के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो, जीत हमेशा खेल की होनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने टीम के ऑनर्स का कार्यक्रम के दौरान माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर बलवीर सिंह, चरण सिंह, हिम्मत सिंह, सोहन सिंह संधु, ओमकार सिंह, हरनेक कांग, गिन्नी कांग, अर्जुन सिंह, जगतार सिंह, हरिकेश शर्मा, राकेश परमार, हरिबाबू शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, डॉक्टर रेनू निखिल अग्रवाल, अनिल मिश्रा, संदीप राणा, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, राजवीर गुर्जर, शारीरिक शिक्षक अजय बघेल आदि मौजूद रहे। राम नाम के अग्नि बाण से दहन हो गया रावण का पुतला। बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित हुआ रावण दहन कार्यक्रम। शनिवार की रात धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में महाराणा प्रताप खेल मैदान पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन कार्यक्रम के दौरान एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा ने जैसे ही अग्निबाण छोड़ा, रावण का पुतला धू धू कर जल उठा और 30 सेकंड में ही धराशायी हो गया। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। रावण दहन कार्यक्रम से पूर्व मंच से सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ नगर पालिका प्रशासन, पार्षदगण, पालिका अध्यक्ष और अन्य अतिथि मौजूद रहे। बाड़ी नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में आगरा से पुतलों को मंगाया गया, जिसमें दहन से पूर्व आतिशबाजी भी की गई। नगर पालिका के अध्यक्ष होतम सिंह ने बताया कि हर वर्ष पालिका द्वारा यह आयोजन किया जाता है, जिसमें एसडीएम के मुख्य आतिथ्य में रावण दहन किया गया। इस दौरान कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए गए और दिव्य भव्य आतिशबाजी की गई, जिसको देखने के लिए शहरवासी उमड़े पड़े। पूरा कार्यक्रम देर रात तक चला। दहन से पूर्व सांस्कृतिक एवं धार्मिक में कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि आम जन भाव विभोर हो गया। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा के साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार, कोतवाली थाना इंचार्ज जगदीश सागर, टाउन चौकी प्रभारी हरवीर सिंह के साथ नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, पार्षदगण, शहर के गणमान्य नागरिक और आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। इस दीपावली करिए अपने सपनों के घर को रोशन, क्योंकि कृतिका सेल्स लेकर आया है मॉड्यूलर किचन एवं प्लाईवुड मटेरियल पर 5-10% की विशेष छूट। चिमनी की विशाल रेंज पर 30-35% की छूट। सभी तरह के दरवाजे, बाथरूम, फाइबर, WPC, सिंटेक्स दरवाजों एवं अन्य सामान पर 5-10% की छूट। ऑफर नवरात्रि से दीपावली तक मान्य। हमारे यहाँ सभी तरह की प्लाई, प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, माइका, सागवान, कपूरसाल की लकड़ी सभी साइज में मिलती है। मॉड्यूलर किचन व पर्दे का सामान एवं फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे कृतिका सेल्स रोशन गार्डन के सामने, गिरराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता।
घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। अस्थायी दुकानों में लगी भीषण आग, हुआ काफी नुकसान। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में मुख्य तराहे पर बीती रात्रि को अस्थायी दुकानों में अचानक आग लग गई। आग का भीषण रूप देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। घटना की खबर पाकर कार्यवाहक SDM वीरेंद्र गुप्ता ने घटना की जानकारी जुटाई तो वहीं थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने भी मौके पर पहुंच स्थिति देखी। ग्रामीणों की भीड़ ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। स्थानीय दुकानदार मनीष खान सहित अन्य लोगों ने बताया कि जैसे ही उनको सूचना मिली कि कब्रिस्तान के पास कच्ची दुकानों में आग लग गई है, तो उस समय वे अपने घर पर थे। सूचना मिलते ही हक्के बक्के रह गए और तत्काल वह मौके पर पहुंच गए और अन्य सभी लोग भी अपनी दुकानों में आग न फैल जाए जिसको लेकर आग बुझाने की मशक्कत में जुटे रहे। इस दौरान एक सब्जी की दुकान, एक चाउमीन कॉर्नर की दुकान सहित कब्रिस्तान में बनी 3 कच्ची दुकान जलकर पूरी तरह खाक हो गई। पीड़ितों का बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। कार्यवाहक SDM वीरेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इनकी ओर से हलका पटवारी को मौके पर भेजकर रिपोर्ट तैयार कराई गई है जिसको जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। रात 8:30 बजे के करीब 4 दुकानों में किसी वजह से आग लगने के कारण 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इससे पहले भी पूर्व में काफ़ी दुकानें हमारी जल चुकी थी, आग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था पिछले साल। इस बार भी 4 दुकानें जिसमें से एक सब्जी की दुकान है और एक कबाड़ी की दुकान है और एक बर्फ़ की दुकान है और एक उसमें मिठाई की दुकान है। कारण ये अच्छा, इसका कोई पता नहीं है साहब कि किस तरह कारण रहा। कोई सूचना ये दी, जब आग लगने के बाद ही पता लगा है ग्रामीण, जहाँ के सैपू ग्रामीण लोगों को पता चला है तो अफरा तफरी मच गई है। लेकिन जहाँ तक है ग्रामीण लोगों ने मिलकर यहाँ स्थिति को संभाला है, आग पर काबू पा लिया है और सामान्य स्थिति है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। धौलपुर जिले के सैपू थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाईवे पर नाकाबंदी की। इस दरमियान चंबल बजरी का परिवहन करके ले जाते हुए अलग अलग 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित महरड़ा के निर्देशन में प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाने के SI उमाशंकर शर्मा, कांस्टेबल गजेंद्र, जितेंद्र गौतम तथा चालक लेखराज आदि के द्वारा हाईवे पर सघन नाकाबंदी की गई। इस दरमियान पुलिस से घिरा देख चालक हाईवे की सड़क पर ही ट्रैक्टर को छोड़ मौके से भाग निकले। तभी पुलिस ने अवैध चंबल रेता से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। पंचम कोरोना वॉरियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर की टीम रवाना। जयपुर में आयोजित पंचम कोरोना वॉरियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए धौलपुर टाइगर क्लब की टीम रवाना हुई। PMO डॉक्टर विजय सिंह, MCH प्रभारी डॉक्टर हरिओम गर्ग, नर्सिंग अधीक्षक MCH हरिशंकर शर्मा, देवेंद्र चौधरी, निरंजन सिकरवार, अनुपम सक्सेना एवं अन्य अतिथियों ने धौलपुर टाइगर क्लब के लोगो लगी टी शर्ट का विमोचन किया। टीम के कप्तान गजेंद्र यादव, संजय राठौर उप कप्तान, सुशील बघेला कोच तथा अरविंद कुमार मैनेजर की अगुवाई में हरेंद्र सिंह तोमर, सुभाष चंद्र कुशवाहा, जगदीश सिंह मान, राजवीर सिंह, शेर सिंह कुशवाहा, योगेश अग्रवाल, सादिक वीरेंद्र कुशवाहा, मनोज त्यागी, धर्मेंद्र कुशवाहा, विश्वेश शर्मा, श्यामवीर सिंह, ज्ञान सिंह मीना सहित 17 सदस्यीय टीम रवाना हुई। इस दौरान रविन्द्र सिंह त्यागी, विकास त्यागी, केशव सिंह, गोपेश शर्मा, नवीन कुमार, राजेंद्र कुमार, गीता शर्मा, भूपेंद्र गोस्वामी, गौरी शंकर शर्मा ने टीम का माला पहनाकर स्वागत किया तथा अग्रिम जीत की शुभकामनाएं प्रदान की। यह प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित होगी। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम D2 पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। D2 कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर।
बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर ए के जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कमल सिंह को मिला तीसरा राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान। धौलपुर ही नहीं अपितु देश के कोने कोने में अपने मानवीय कार्यों से पहचान बनाने वाली सोच बदलो गांव बदलो टीम आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये टीम डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना IRS के मार्गदर्शन में पूरे देश के कोने कोने में कई प्रकल्पों पर कार्य कर रही है। टीम के कार्यों से प्रभावित होकर टीम के सदस्यों को देश के कोने कोने से प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। टीम को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। टीम के रक्तदान महादान प्रकल्प के कोऑर्डिनेटर कमल सिंह मीना को भी कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सम्मान की इसी कड़ी में भिंड मध्य प्रदेश में नवजीवन सहायतार्थ संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह में उन्हें तीसरा राष्ट्रीय रक्तदाता अवार्ड मिला है। टीम के रक्तदाता कोऑर्डिनेटर कमल सिंह ने बताया कि ये सम्मान उन सभी रक्तदाताओं को समर्पित है जिन्होंने एक बार भी रक्तदान करके किसी का जीवन बचाया है। माँ दुर्गे का धूमधाम से मनाया महोत्सव दी विदाई। धौलपुर सिंचाई विभाग के सामने स्थित कमला कॉलोनी में जय माँ दुर्गे सेवा समिति द्वारा नवरात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कन्याओं को पूजन कर भोजन प्रसादी करवाई। सभी भक्तों द्वारा कॉलोनी वासियों के साथ प्रसादी पाई और सभी माता बहनों और भक्तों ने 9 दिन मिलकर माँ दुर्गे की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद माँ को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में महावीर प्रसाद गर्ग, गोपाल कुशवाहा, राजवीर कुशवाहा, भानु परमार, अजय सक्सेना, घनश्याम कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, उदय कुशवाहा, पिंटू परमार, नीरज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल, रॉकी गोयल, रिंकू गर्ग, पिंटू परमार, सागर गर्ग, महावीर राजपूत आदि भक्त जन शामिल रहे। भक्ति भाव से किया माता की प्रतिमाओं का विसर्जन। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में शारदीय नवरात्रों की धूम विगत 9 दिनों से मची हुई थी। प्रथम दिन से ही मैया के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। नवरात्रि के 9वें दिन तक माता रानी के भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूजा में तल्लीन रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि का उत्सव बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरमथुरा कस्बे में दर्जन भर जगहों पर माताएं विराजमान हुई थी। शनिवार को विजयादशमी पर माता रानी के हस्त निर्मित प्रतिमाओं का कस्बा स्थित खरेड़ नदी सहित अन्य सरोवरों पर विसर्जन किया गया। पूरे कस्बे में डीजे ढोल के साथ माता की शोभा यात्रा निकाली गई। युवा एवं महिलाएं डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। शारदीय नवरात्रों का समापन शनिवार को कन्या भोज के साथ हुआ। माता के पंडालों में हवन पूजन होने के बाद देवी मां की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए दिन भर लोग तैयारी में जुटे रहे और विसर्जन के दौरान थाना प्रभारी अनूप चौधरी के नेतृत्व में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखने को मिली। नदी पर बैरिकेडिंग कराकर गहरे पानी में श्रद्धालुओं का प्रवेश करने से पाबंदी लगाई गई। नदी के बाहर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों की भीड़ देखने को मिली। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।